नमस्कार, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट भावना शर्मा। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी सिटी ऑफ लेक्स यानी कि भोपाल में देश के नंबर वन न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 में आपके इस महामंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये महामंच है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुशिक्षा मध्य प्रदेश विच इज़ powered by Sage University, co-powered by IES University, People's University, Rawatpura Sarkar Institutions Datia, Oriental Group of Institutes, Nirman IAS and Reliance Industries, LNCT University, Scope Global Skills University, Sabdhani Coaching Institute, Rudras IAS, Vidyapeeth Group of Institutions, AXA International, Shivaji Rao Kadam Institute of Technology and Management, Indore, Prestige University, Sri Sai International School, Shivnath Singh College of Nursing, हमारे सभी पार्टनर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी से अनुरोध करूंगी, वो कृपया मंच पर आएं और वेलकम स्पीच से हमारे यहाँ सभी उपस्थित मेहमानों का स्वागत करें। सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। जब शिक्षा की बात आती है, आप लोगों का जो योगदान एजुकेशन को लेकर है, खासतौर से शिक्षा को लेकर होता है, तो कहीं ना कहीं आप देश का एक भविष्य तैयार कर रहे हैं। नई पीढ़ियों को ज्ञान आप दे रहे हैं, ज्ञान हो, आचरण हो या फिर हमारी संस्कृति हो, सभी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो इसी कड़ी में आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को साधुवाद करते हैं हम लोग, और न्यूज 18 के इस मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और अब हम अपने बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, यानी कि हम अपने पहले पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे जो पहले पैनलिस्ट होंगे डॉक्टर विशाल मेहता, शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट, एक बार जोरदार तालियां। हमारी दूसरी पैनलिस्ट होंगी मिसेज माधुरी जोशी गुप्ता, प्रिंसिपल श्री साई इंटरनेशनल स्कूल, चंद्रमौली मिश्रा, डायरेक्टर रुद्राज IAS। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे आखिरी पैनलिस्ट होंगे आशीष मेहता, अक्सा इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम एंड ओवर टू यू प्रशांत। अक्सर देखने में आता है कि भाई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो सफलता हासिल नहीं हो पाती, क्या इसकी वजह नजर आती है, कैसे इस चुनौती से निपटा जा सकता है? जहां तक मेरा लगभग 20 वर्षों का इस फील्ड में अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि जो फेलियर के पीछे मेन वजह होती है, एक तो होती है लैक ऑफ गाइडेंस, मतलब प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण बच्चे को यही नहीं समझ में आता है कि उसे इस अथाह समंदर में से कहां से मोती ढूंढना है। और दूसरी चीज़ होती है कि लैक ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब बस ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को मैंने, ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि सिर्फ पढ़ते हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बुक उठा ली और कुछ भी पढ़ रहे हैं। एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हमारा ये सिलेबस है, सिलेबस की एक एक लाइन तैयार होनी चाहिए और उस पर हमें कुछ डिफरेंट कैसे करके दें, इस पर मेहनत करना चाहिए, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मिस्टर आशीष मेहता जी के पास जाऊँगा। आशीष मेहता जी, अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कैसे और किस विजन के साथ हुई? हमारा जो मेन उद्देश्य है, या फिर मैं ये बात करूं कि हमारा जो मेन विजन है, वो ये है कि इस प्रदेश के जितने भी युवा जो ये सोचते हैं कि कभी जब उनका सपना होता था कि आज से पहले कि हम कभी प्लेन में बैठेंगे कि नहीं, कभी हम एयरपोर्ट पर जाएंगे कि नहीं, हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया और इसी संदर्भ में हम आज जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं एविएशन एजुकेशन को लेके, वो हम स्कूल्स में और जहाँ भी हमें स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है, हम उनके बीच में जाके अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो वहीं से हमने ये सोचा था कि कहीं इस एविएशन एजुकेशन को कहीं ना कहीं हमें बच्चों को बीच में लेके जाना है। डॉक्टर विशाल मेहता जी, शिवाजी राव कदम संस्थान समूह के चेयरमैन शिक्षाविद डॉक्टर शिवाजी राव कदम और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए, इनके नेतृत्व में अगर हम जिक्र करें कैसे संस्थान को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसा आप फील करते हैं? सर का विजन ऐसा रहा है, उनकी लीडरशिप ऐसी रही है कि सबको साथ लेकर चलना है और सभी का
विकास होना चाहिए, सभी की तरक्की होनी चाहिए। छोटी जगह पर रहने वाले विद्यार्थी हैं जो थोड़ा डिप्रिव्ड रहते हैं, उन्हें भी बेनिफिट मिलना चाहिए एजुकेशन का, उनका भी समान अधिकार है। माधुरी जी, विद्यार्थियों के विषयों की शिक्षा के अलावा भी अगर हम जिक्र करें दूसरे पहलुओं को भी, थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या और बच्चों के लिहाज से किया गया या किया जा सकता है। शिक्षा के बारे में अगर कभी भी इस तरीके से चर्चा होती है तो निश्चित रूप से वो सभी के लिए बहुत लाभदायक होती है। शिक्षा के रूप से अगर मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं बुनियादी शिक्षा का जो एक अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही हम उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं तो उच्च शिक्षा में मैंने बच्चों को कई बार स्ट्रगल करते हुए देखा है। उस एजुकेशन लेवल पर जब वो पहुंचते हैं, बच्चा महाविद्यालय में पहुंच गया है लेकिन उसका बेसिक क्लियर नहीं है। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप अपने इसमें हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दे के और उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने पर काम करें। आप सभी खास मेहमान का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगले पैनल डिस्कशन में मैं सबसे पहले अपनी सहयोगी शुभांगी सिंह मिश्रा को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। शुभांगी, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ेंगे, डॉक्टर राजीव आर्या, डायरेक्टर विद्यापीठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मिस्टर आनंद सबधानी, डायरेक्टर सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए। मिस्टर संजय गुप्ता, डायरेक्टर निर्माण IAS MP। तो आज के हमारे पैनल में सबसे पहले डॉक्टर राजीव आर्या जी, कैसा लगता है आपको एक एजुकेशनिस्ट के नज़र से, आप अगर देखते हैं स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड पर देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे खुल गए यहाँ पर, बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। इवन गवर्नमेंट समर्थित भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, नेपटेल है, यहाँ पर मासी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कैरिकुलम को सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के तो शॉप फ्लोर पे या कहीं भी काम करना उतना ईजी नहीं है। ठीक है, वो सीखते हैं या तो वो कॉलेज में सीख लें या जाके इंडस्ट्री में सीख लें। जब एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो मुझे लगता है उस पर भी काफ़ी प्रेशर होता है, परिवार पे भी। ऐसे में आपको काफ़ी लंबा क्योंकि एक्सपीरियंस है तो मैं चाहूँगी आप एक्सप्लेन करिए कैसे आप डील करते हैं, हर लेवल का स्टूडेंट आपके पास आता है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा टॉपर बने, हमारा बच्चा टॉपर बने। बचपन से ही उस बच्चे पर हम प्रेशर माउंट कर रहे हैं कि टॉपर 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 टॉपर, एक तो बन जाता है बाकी 29 की तरफ कोई देखता ही नहीं है। शिक्षक को केवल पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शिक्षक को बच्चे के सवालों के सही जवाब नहीं देने चाहिए, बल्कि शिक्षक को बच्चों में ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि तुम सही सवाल पूछ सको। जिस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और शायद शिक्षा का मूल भाव जो होता है वो नहीं पहचान पाते। पहले ये होता था कि मम्मी पापा शाम को थप्पड़ ला के घर में बुलाते थे, है ना, और आज बच्चे की ये स्थिति है कि गलियों में दिखता नहीं है। नहीं नहीं, बच्चे दिखते नहीं है घर में, वो घर में बेडरूम में पड़ा हुआ है मोबाइल लेके, वो लैपटॉप पे लगा हुआ है, अपने कंप्यूटर पे लगा हुआ है। तो मीन्स ये है कि जब तक वो बाहर निकल के इंटरेक्ट नहीं करेगा स्कूल में, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो दौड़ है, अंधी दौड़ है रैंक वन की, उस रैंक के साथ में ये भी देखना है कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है स्कूल में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो कैसा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद सबधानी जी, राजीव आर्य जी और संजय गुप्ता जी। चलिए अगली डिस्कशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और अगले डिस्कशन में जो हमारे पैनलिस्ट रहेंगे साथ में, शिवानी अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेज ग्रुप, मिस्टर शांतनु अग्रवाल, मैनेजिंग ट्रस्टी रावतपुरा कॉलेज दतिया, एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर अजय भूषण, VC स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप स्कूल में बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, टीचर्स बहुत वो, और आप जैसे ही कॉलेज आते हैं आपको कहा जाता है बहुत बड़े हो गए हैं, क्या चैलेंजेस एक स्टूडेंट फेस करता है और कैसे आपकी यूनिवर्सिटी उनको डील करती है कि उनको ऐसा ना लगे कि हमारी दुनिया ही बदल गई? आई थिंक जब एक स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी पे वर्क कर रहा होता है, एंड टू सपोर्ट दैट थॉट सेज यूनिवर्सिटी में, SIRT कॉलेजेस में, एवरीवेयर हम ट्राई करते हैं कि कैसे स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ना देके बल्कि उनकी पर्सनालिटी पे वर्क करें, उनकी इंग्लिश स्किल्स,
हिंदी स्किल्स, ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करें, तो जैसा आपने राइटली पॉइंट किया, उनकी दुनिया चेंज होती है, तो उनके अंदर भी बहुत सारी यू नो इमोशंस होते हैं विच आर चेंजिंग. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे टर्मोइल्स से भी गुजरते हैं, तो हम उस बात का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि यू नो उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उस पर स्टूडेंट, उसकी वजह से स्टूडेंट पे ना असर पड़े. आई थिंक देन एंड ओनली देन दैट पर्सन विल बी एबल टू बिकम अ बेटर पर्सन इन लाइफ. शांतनु अग्रवाल जी, पेरेंट्स का भी विश्वास जीतना उतना ही ज़रूरी होता है जितना स्टूडेंट का. हाउ यू मैनेज और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में? हम लोग वैसे एक सर्विस इंडस्ट्री में, तो सर्विस इंडस्ट्री में जो है वर्ड ऑफ माउथ सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो हम क्या करते हैं साल भर स्टूडेंट्स के साथ, और कैसे उनको पढ़ाते हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट करते हैं, कैसे उनको डिसिप्लिन में लाते हैं, इसके ऊपर जब बाहर लोग बात करते हैं, हम चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लें, हम चाहे पेपर्स में फुल पेज ऐड दे दें या हम न्यूज़ में पूरे पूरे समय अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग वहाँ खुश नहीं हैं, अगर बच्चे वहाँ खुश नहीं हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डॉक्टर अजय भूषण जी, आपके पास आना चाहूँगी. स्किल की बात कर रहे थे, आपकी तो यूनिवर्सिटी में ही स्किल है, स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी. ये बाकी यूनिवर्सिटीज से कैसे अलग है, ज़रा बताएं हमें. फ्रॉम डे वन जब एक स्किल यूनिवर्सिटी में एक कैंडिडेट आएगा, ही इज़ अवेयर ऑफ कि मेरे को अपना करियर पाथ कहाँ से बनाना है और कहाँ जाना है. दूसरी चीज़ क्या है, जो बच्चों की बात हुई प्लेसमेंट की, हम लोग बात कर रहे हैं कि कहीं पे भी आ रहा है बच्चे का, सबसे पहला फोकस होता है कि प्लेसमेंट का होगा. यहाँ वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, उसका प्लेसमेंट हो चुका है, बिकॉज वी हैव अ टाई अप्स विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज वेयर वी आर प्रोग्रामिंग, वी आर प्रोवाइडिंग देम द प्रोग्राम्स, जहाँ पे उसको एकदम एम्प्लॉयमेंट मिलती है. वी आर गिविंग देम द पेड इंटर्नशिप्स मॉडल्स, और वो सिर्फ कुछ दिन यूनिवर्सिटी में हमारे साथ है या हमारी लैब्स में है, और उसके बाद वो इंडस्ट्रीज में होगा, उस इंडस्ट्री में जिसमें वो जाना चाहता है. तो आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, इस बातचीत के लिए. मैं चाहूँगी आप सब बने रहें, क्योंकि अब हम अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा आखिरी पैनल डिस्कशन है, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी अपने सहयोगी प्रशांत कटारे को. प्रशांत, कैन वी प्लीज़ हैव यू ऑन स्टेज? और इसके लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट रहेंगे हमारे आखिरी पैनल डिस्कशन में, वो हैं डॉक्टर एन पी गुप्ता, प्रिंसिपल LNCT यूनिवर्सिटी. वी प्लीज़ have you on stage and give a huge round of applause for Dr. N.P. Gupta. Professor Akhilesh Mittal, Dean Academic Affairs, People's University. Ek baar zordaar taaliyon ke saath swagat kijiye. Dr. Jagpreet Singh, HOD, Department of Physiotherapy, Mansarovar Global University. Give a huge round of applause. Dr. Sudesh Kumar Sohani, VCIES University. हमारे सभी पैनलिस्ट का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्टेज पे. ओवर टू यू प्रशांत. प्रोफेसर अखिलेश मित्तल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा. ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत चर्चा, या फिर हम कहें कि बहुत कोरोना काल में बहुत सारी चर्चाएं हुई, अभी भी लगातार अब बहुत सारे मीडियम हैं या बहुत सारे संस्थान हैं जो अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं. पुराने ट्रैक पर हम जरूर लौटे हैं, लेकिन बार बार इस मसले पर हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि क्योंकि इसके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों हैं. कैसे आप इसको रियलाइज करते हैं? जहाँ जेनेरिक कोर्सेज और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात आ रही है, आपका अगर आर्ट्स कॉलेज है और आपको कॉमर्स का कोर्स करना है, तो आपके पास वो फैकल्टी एग्जिस्ट नहीं करती है. तो यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स स्वयं हुआ या ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुए जो ऑनलाइन एजुकेशन से आप बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं. तो मेरिट भी है, डिमेरिट भी है. बस लास्ट सेंटेंस यही कहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन डेफिनेटली सोशल सेंसिटिविटी नहीं दे सकता. ऑनलाइन एजुकेशन एक एजुकेशन जो प्राइमरी पेट्रियोटिज्म वो नहीं दे सकता. सिर्फ स्किल को एनहांस कर सकता है. मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, चर्चाएं हम लगातार सुनते हैं, विश्वविद्यालय का नाम सुनते हैं स्टूडेंट्स के जरिए, माउथ पब्लिसिटी आपकी यूनिवर्सिटी की बहुत है. लेकिन एक बड़ा सवाल है, बाकी विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, देश में भी, बाकी विश्वविद्यालयों से कैसे डिफरेंट है आपका विश्वविद्यालय? सर, मानसरोवर यूनिवर्सिटी में हम किसी भी स्टूडेंट को जब वो एडमिशन लेता है, एंटर करता है, तो उसको 4 साल बाद सिर्फ उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो स्किल्ड हो, हम इस पर काम नहीं करते. वी एट मानसरोवर ट्राई टू बिल्ड सच एन एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स वेयर वी वर्क ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट, जहाँ पे वो समाज में जा करके किसी एक उसको ये फील ना हो कि यार यहाँ मेरी कुछ कमी रह गई. सो
So we want to give them the whole over approach. डॉक्टर सुदेश कुमार सुहानी जी, एक अभी जिक्र आया था कि भाई अब एलोपैथी के साथ कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ पैरा हम कहें या कुछ लेसन्स आयुर्वेद के भी पढ़ाए जाएंगे, ये भी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही हिस्सा होगा? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वन इज़ फ्री टू ऑप्ट एनी सब्जेक्ट्स, यदि आपका 80% कोर सब्जेक्ट्स हैं तो 20% आप दीगर स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं. इनिशियल स्टेजेस में वो सारे के सारे इनपुट्स दे देते हैं टू बिकम ए गुड सिटीजन, गुड प्रोफेशनल. तो वही हमारी नई शिक्षा नीति में उसको सम्मिलित किया गया है, और मैं सोचता हूँ कि ये जो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं बच्चे को, तो वो अपना वाइल परसुइंग हिज मेन कोर्स ऑफ हिज करियर, वो अपने अदर सब्जेक्ट्स भी अपना पढ़ सकता है. डॉक्टर गुप्ता, एलएनसीटी को लेकर प्लेसमेंट को लेकर एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, जो एक माउथ पब्लिसिटी, जिसका मैं फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चर्चाओं में हमेशा से रहा कि भाई एलएनसीटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, सिर्फ वहाँ से पढ़े बच्चों का, स्टूडेंट्स का, कैसे और क्या और कैसे कंपनीज को हायर आप करते हैं, प्लेसमेंट बच्चों का होता है? हमारे जो एलएनसीटी ग्रुप के सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर अनुपम चौकसे जी, उनका बहुत साफ मानना है, बच्चा तो स्टूडेंट जो है वो पढ़ेगा और अपने प्लेसमेंट की बात तो करता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भूल जाते हैं कि उसके अपने माइंड का प्लेसमेंट कहाँ है. असल में यदि उस माइंड का प्लेसमेंट बिल्कुल सही जगह है तो प्लेसमेंट के लिए बच्चे को फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेसमेंट तो उसका हो ही जाना है. तो जो कोर कंपनीज का पूल है उनसे बातचीत करना, उनको अपने प्रेजेंस और अपने ओवरऑल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करना, और उसके बाद फिर उनके क्या प्लान्स हैं उनको समझना और उन प्लान के मुताबिक स्टूडेंट्स को तैयार करना, ये एलएनसीटी ग्रुप इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करता है. सभी शिक्षाविदों का, चारों खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया. वो समय आ गया है जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था. हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जी हाँ, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो पधार चुके हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी. अब मैं सुधीर जी से अनुरोध करूंगी, वो कृपया हमारे माननीय अतिथि को मंच पर लेकर के आएँ. आप सभी जानते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, किन पॉलिसीज़ और किन स्ट्रैटेजीज़ का सहारा लेकर के मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है. सुधीर जी, आपसे अनुरोध करूंगी, आप कृपया मंत्री जी से वन टू वन करें. ओवर टू यू सुधीर जी. सर, आज हम नई शिक्षा नीति, उसकी संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद है. नई जो शिक्षा नीति है, इसको प्लान करने में, लागू करने में और बनाने में सर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? माननीय मोदी जी ने 2020-20 जो नई शिक्षा नीति लागू की है, लगभग 2,00,000 से ज़्यादा विभिन्न विद्वानों के अलग अलग प्रकार के सुझावों का संकलन किया है, और सारे संकलनों का सार निकाल करके ये जो हमारी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, इस पर पूरा विचार करने के बाद इसको लागू करने का प्रयास किया है. लेकिन मूलतः जब ये स्कूल एजुकेशन से शिक्षा जब लागू होगी तो सच्चे अर्थों में तभी इसका असर भी आएगा. कई बार सवाल उठता है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों हो रहा है? हमारे पास कई नायक हैं जिनका हम महिमा मंडन कर सकते हैं, जिनकी जीवनी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं. इसी का बिल्कुल आपने जो कहा वो नई शिक्षा नीति में इसी बात की गुंजाइश है, और ये एक बड़ी बात ये भी है कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाना चाहिए इसको सरकार नियंत्रित करने के बजाय समाज के हमारे विद्वान नियंत्रित करें, जो जिस समसामयिक दृष्टि से जहाँ जिसकी आवश्यकता लगती है उस विषय को लेकर के आए. और इसी बात के आधार पर ये शिक्षा नीति में एक तरह से हमारे को ये छूट भी दी है, राज्यों के लिए भी है, और राज्य से कुल मिलाकर के देश के मनोभाव को तोड़ने वाली भी ना हो, इसलिए हमारे अपने देश की मूल भावनाओं को, मूल देश की अवधारणाओं को सबको पुष्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसी का एक हिस्सा है. मैं समझता हूँ कि सही से अगर लागू करेंगे तो लगभग 2,00,000 के आसपास हमारी संख्या हम अनुमानित रखते हैं जिसमें नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आना चाहिए. जब से आपने उच्च शिक्षा का प्रभार संभाला है तब से नित नई नवाचार भी हो रहे हैं, भाषा को लेकर बहुत काम हुआ है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने लगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने लगी है. भाषा कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं, खासतौर से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों की अगर हम बात करें तो?
भाषा की शुद्धता के लिए भारत हमेशा जाना जाता था। हमारे लिए आज आप दुनिया की सभी भाषाओं का बेस अगर देखेंगे तो 40% से ऊपर सब में संस्कृत का ही आधार मिलता है, एकमात्र आधार। में टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूँ और टूरिज्म के चेयरमैन रहने के कारण से मैं साल के 2 मेले बड़े बड़े फ्रांस की राजधानी पेरिस और लंदन इंग्लैंड में, ये यहाँ पर पूरे दुनिया के टूरिज्म से जुड़े हुए सारे लोग 7 बड़े बड़े अपने महाद्वीप है उनके आधार पर वो बिजनेस करने आते हैं। लेकिन ये केवल अंग्रेजी के भरोसे से हम उन्नति कर लें ऐसा नहीं है, इसलिए फ्रांस की अपनी उन्नति हुई है, जापान की अपनी उन्नति हुई, चाइना हमारे बगल में बैठा हुआ है। मूल मातृभाषा की जो ताकत है उस मातृभाषा की ताकत की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसे में हमारे लिए तो हम सौभाग्यशाली कि भाषाओं का गुलदस्ता है भारत में, तो हमारी रीजनल रूप से या कई सारी भाषा बोलियों का इतना बड़ा खजाना है, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो ज्ञान को अपनी मातृभाषा से बढ़ाते हुए हम मूल चीज़ भाषा के साथ उसकी अपनी उन्नति की तरफ भी देखें। तो मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि जो स्वाभाविक रूप से जो ग्रोथ होता है वो मातृभाषा में होता है, इसलिए सारी पढ़ाई को लेकर के केवल हम मेडिकल से पढ़ा लेंगे ये गलत बात है। प्लेसमेंट की जैसे बात करते हैं कि प्लेसमेंट को लेकर सरकार ने भी बहुत सारे नवाचार किए हैं, कैसे प्रयास और किए जा रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटी कैंपस से प्लेसमेंट बढ़े? देखिए दोनों तरह की बात है, हमने केवल सबको नौकरी देने के लिए प्लेसमेंट देने के लिए कॉलेज में एडमिशन दिया ऐसा नहीं है, हमने कहा कि उसका समग्र विकास होना चाहिए। उसमें ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने जोड़ा है, जैसे नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अब कोर्स जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं उसमें पहले स्पोर्ट्स है या हम अपने NCC NSS है, ये केवल एक्टिविटी के नाते से उसको वो सब्जेक्ट में नहीं कोई गुंजाइश थी, अब वो सब्जेक्ट के नाते से पढ़ सकता है। आने वाला समय तो जब डबल डिग्री देने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए सामान्य डिग्री के साथ डबल डिग्री भी पढ़ सकता है विद्यार्थी, एक साथ 2 जगह एडमिशन भी ले सकता है। एज लिमिट खत्म हो गई, किसी उम्र का विद्यार्थी कोई भी पढ़ना चाहे उसकी गुंजाइश हम दे रहे हैं। तो ये ऐसे से कई सारी चीज़ों का लाभ ले रहे हैं जो नई तकनीक के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। हमारे बीच वो सभी लीडर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना खास योगदान दिया है यहाँ के शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें हम अवार्ड्स देंगे, उन्हें फेलिसिटेट करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर जगप्रीत सिंह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मिस शिवानी अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेज ग्रुप सेज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सुदेश कुमार सुहानी, वाइस चांसलर IES यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरीश राव VC, प्रोफेसर अखिलेश मित्तल डीन एकेडमिक अफेयर्स, दीपेंद्र श्रीवास्तव GM पब्लिक रिलेशंस पीपल्स यूनिवर्सिटी, शांतनु अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी श्री रावतपुरा कॉलेज दतिया, श्री प्रवीण ठकराल चेयरमैन ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड चांसलर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर, संजय गुप्ता डायरेक्टर निर्माण IAS, चांसलर प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर NP गुप्ता प्रिंसिपल, डॉक्टर मोहित पांड्या OSD LNCT यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अजय भूषण VC और सितेश सिन्हा रजिस्ट्रार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, मिस्टर आनंद सबधाणी डायरेक्टर सबधाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मिस्टर चंद्र मौली मिश्रा डायरेक्टर रुद्रास IAS, डॉक्टर राजीव आर्या डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद गुप्ता डी विद्यापीठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिस्टर आशीष जी मेहता अक्सा इंटरनेशनल,
डॉक्टर संजय टी पुरकर, प्रिंसिपल शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंदौर, मिसेज माधुरी जोशी गुप्ता, प्रिंसिपल श्री साई इंटरनेशनल स्कूल, डॉक्टर रीना पाटिल, ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, और इस लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मिसेज दिव्या तोमर, डायरेक्टर रॉयल डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल, और मैं सुधीर दीक्षित जी से अनुरोध करूंगी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें, फेलिसिटेट करें। वक्त है इस कार्यक्रम को विराम देने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप पधारे। एंड दिस इज योर होस्ट भावना शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।